राजेश्वर सिंह, ACS रूरल डेवलपमेंट। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि आज दिनांक को जो नरेगा के अंतर्गत कुल नियोजित श्रमिक संख्या है वो 42,80,000 है, जो कि गत वर्ष आज की ही डेट में 32.91 लाख थी, उसे लगभग 10 लाख ज्यादा है। और नरेगा योजना जब से प्रारंभ हुई है तब से लेके आज तक जो है ये आज तक की सर्वाधिक जो है श्रमिक संख्या है। इस वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 44.74 लाख परिवारों ने कार्य की मांग की थी सर, और अगर हम व्यक्ति के हिसाब से देखें तो करीब 58.61 लाख व्यक्तियों ने जो है ये कार्य की मांग की थी। और हम इन सारे परिवारों और सारे व्यक्तियों को आज की तारीख में काम उपलब्ध करा रहे हैं। जो इस वित्तीय वर्ष में हमारा सृजित मानव दिवस है अब तक का 1 अप्रैल के बाद, ये 297 लाख है। और जो आज की तारीख में कुल जो स्वीकृत कार्य हैं वो 6.78 लाख हैं, जिनमें से जो पूर्ण कार्य हैं वो 29,332 हैं सर, और जो प्रगतिरत कार्य हैं वो 6,48,000। अगर हम कार्यों के प्रकार पर जाएं सर, तो ये जो टोटल हमारे प्रगतिरत कार्य हैं 6.48 लाख, तो इनमें जो है कुल जल संरक्षण और जल ग्रहण प्रबंधन के, जिसमें एनिकट चेक डैम वगैरह का जो निर्माण कार्य है इसके लगभग 25,000 कार्य हैं सर। सिंचाई से संबंधित जो है 9,251 कार्य हैं जो चालू हैं। परंपरागत जो पेयजल स्रोत हैं जैसे कुआं है, बावड़ी है, तालाब हैं, इनके जीर्णोद्धार पुनरुद्धार का कार्य है वो 11,027 कार्य चल रहे हैं। जो चारागाह विकास के कार्य हैं पूरे राजस्थान में 11,272 जगह चल रहे हैं। जो व्यक्तिगत लाभार्थियों के खेत सुधार संबंधी कार्य हैं, जो उनके समतलीकरण, वृक्षारोपण, मेड़बंदी, इस तरह के जो कार्य हैं वो 98,919 कार्य हैं सर। और जो ग्रामीण सड़क के कार्य हैं वो कुल मिलाकर सर इसमें क्या किया उसकी आगे ठीक हो गया नंबर हमारे दे दो यार, बार बार आता है सारे मंत्रीगण राम जी की आवाज आ रही है। आपका माइक खुला हुआ है, माइक कृपया बंद कर लीजिए। सर ये जो ग्रामीण सड़क के जो माइक बंद है ना, एक माइक बंद कर रहे कौन बात कर रहा है उनके साथ कोई बैठा है सर उनसे बात कर रहे। सर ये जो ग्रामीण सड़क के निर्माण कार्य हैं ये आज की तारीख में 38,519 कार्य चल रहे हैं, 789 कार्य इसमें पूर्ण हो चुके हैं। अगर हम जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनकी भागीदारी की बात करें सर, तो जो जल संसाधन विभाग, सिंचाई विभाग और इनसे संबंधित जो कार्य हैं सर, ये कुल 11,693 कार्य चल रहे हैं, और जिसमें 180 करोड़ रुपये की राशि से एक सारे कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है उसके 18,950 काम, ये 324 करोड़ रुपए की लागत से सैंक्शन किए गए हैं सर। और जो नियोजित श्रमिक संख्या है सर, इसमें अगर अपन इन लाइन डिपार्टमेंट्स का देखें सर, तो कुल 42,80,000 जो हमारे श्रमिक हैं ये जो है 16,447 कामों पर ये कार्यरत हैं। और इनमें जो जल संसाधन सिंचाई विभाग के कार्य हैं ये 1216 हैं सर, और सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्य ये 1091 हैं, और वन विभाग के जो कार्य हैं 1990 हैं। इसमें सर मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि जैसा हम लोगों से अपेक्षा की गई थी इस प्रेजेंटेशन के दौरान कि वृक्षारोपण, सिंचाई, सड़क और जो खेत सुधार है इसके कार्य जो है कराए जाएँ,
तो इसमें जो नरेगा की गाइडलाइंस है इनके अंतर्गत ये सारे कार्य अनुमत हैं, परमिसिबल हैं। इसके अलावा विभाग ने ये निर्णय लेकर के प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक ग्राम चार काम, इसके लिहाज से चार काम सेंक्शन करने के की एडवाइस जो है वो ग्राम पंचायतों को दी है, जिसमें मॉडल तालाब का निर्माण कार्य है, चारागाह विकास है, शमशान कब्रिस्तान विकास है और खेल मैदान विकास है। ये चार कार्य जो है हम राजस्थान के जितने राजस्व ग्राम हैं इन सब में जो है सेंक्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें अब तक चारागाह विकास के 9,248 कार्य लिए गए हैं सर, मॉडल तालाब के 10,574 कार्य हैं, शमशान कब्रिस्तान विकास के 11,138 कार्य हैं और खेल मैदान विकास के 11,113 कार्य हैं। जो पात्र कृषक हैं उनकी स्वयं की भूमि पर अगर हम समतलीकरण, मेड़बंदी, वृक्षारोपण इन चीजों को देखें और इनके साथ जो पशुओं का शेड वगैरह बनाने की बात है, तो इन सबको मिला करके लगभग 1.5 लाख कार्य जो है ये अपने पूरे राजस्थान के पैमाने पर ये चल रहे हैं सर। आगामी जो मानसून है इसमें बृहद पैमाने पर वृक्षारोपण के लिए नर्सरी विकास के कार्य और जो चारागाह हैं उनमें पौधे के लिए खड्डे खोजने के ये हम करीब 11,272 कार्य ये आज की तारीख में जो है अंडर प्रोग्रेस है सर। इसी तरह से सिंचाई के अंतर्गत सर जो व्यक्तिगत और सामुदायिक भूमि पर सिंचाई सुविधा बढ़ाने संबंधी कार्य, नाड़ी तालाब खुदाई, टाका डिग्गी खडीन, मिट्टी और पत्थर के चेकडैम, एनिकट नहर, खाले और नालियों के निर्माण कार्य सम्मिलित हैं सर। सड़क निर्माण कार्य के अंतर्गत एक गांव से दूसरे गांव तक ग्रेवल WM सड़क, संपर्क सड़क, नए पुलिया का निर्माण, ईंट और पत्थर का खरंजा, CC इंटरलॉकिंग टाइल से गांव की आंतरिक सड़कों का नए नाली निर्माण सहित कार्य ये भी परमिसिबल है सर। और ये लगभग 38,519 कार्य पूरे राजस्थान में प्रगतिरत हैं। और जो खेत सुधार संबंधी कार्य है सर, इसमें समतलीकरण है, मेड़बंदी है, नदी नाले की जो मिट्टी है वो खेत में डालना है, ऊसर बंजर भूमि का सुधार है, फलदार वृक्षारोपण है और टांका फार्म पॉन्ड और खाली निर्माण इत्यादि का कार्य है। ऐसे लगभग 98,319 कार्य प्रगतिरत है सर। ये हमारा जो लगभग 3,64,000 हमने कार्य सेंक्शन किए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, और जिसमें एक प्रधानमंत्री आवास पर हम करीब 90 दिन का मस्टर रोल देते हैं मजदूर को, तो वो इन सारे कार्यों के अतिरिक्त है सर। जो प्रवासी मजदूर हैं सर उनके बारे में मैं निवेदन करूं कि जो लॉकडाउन से ठीक पहले जो हमारे टोटल जॉब कार्ड्स की संख्या थी, जो एक परिवार को एक जॉब कार्ड इशू होता है, वो 106 लाख थी सर। और जो वर्तमान में अपना 29 मई 2020 तक का आंकड़ा है हमारे पास, जिसमें राज्य में कुल 108.17 लाख जॉब कार्ड ये जो है इशूड हैं। इस लॉकडाउन की अवधि के दौरान हम लोगों ने 2,17,000 नए जॉब कार्ड बनाए हैं और जिसमें लगभग 1.77 लाख जो जॉब कार्ड हैं सर ये प्रवासी मजदूर परिवारों के हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए जॉब कार्ड बनाने के लिए भी माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार विशेष अभियान 30 जून तक चलाया जा रहा है और लगभग प्रतिदिन 5,000 नए जॉब कार्ड जो है ये बनाए जा रहे हैं। और जॉब कार्ड में सिर्फ सेल्फ अटेस्टेशन पर्याप्त है और वो जो है पहले तो जो बाहर से जो लोग आते हैं उनको 15 दिन क्वारंटीन में रहना पड़ता है और उसके बाद उसी दौरान जो है उनके जॉब कार्ड की हम कार्रवाई पूरी कर लेते हैं और उसके बाद फिर उनको हम नरेगा के अंतर्गत ये कार्य जो है ये उपलब्ध कराते हैं सर। और जो हमारा 42.48 लाख मजदूरों का फिगर है सर, इसमें जो 10 लाख नए मजदूर बढ़े हैं, मतलब अगर हम पिछले साल की आज की तारीख से ही अगर कंपैरिजन करें तो लगभग 10 लाख मजदूर बढ़े हैं। इसमें से ज़्यादातर संख्या जो है वो हमारा आकलन है कि ये जो हमारे मजदूर प्रवासी हैं तो इनका ही है सर। जो मजदूरों को लाभान्वित करने के लिए और उनको इस कोरोना महामारी से बचाने के लिए जो हमने एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं सर, उसमें यह है कि 50% कार्य वो व्यक्तिगत लाभ के कार्य हों कैटेगरी बी के, क्योंकि जो व्यक्तिगत लाभ के कार्य होते हैं वो इंडिविजुअल्स के खेतों पर होते हैं तो उसमें जो है सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह की पालना बड़े आराम से की जा सकती है, तो एक तो ये निर्देश दिए गए हैं। दूसरा ये कहा गया है कि जो है
प्रत्येक श्रमिक को जो टास्क है वो पूरे पखवाड़े के दिया के लिए दिया जाए और इस तरह से टास्क दिया जाए कि श्रमिकों का आपस में कोई संपर्क नहीं हो, और तीसरा जब ये निकले तो उस समय ये एक एक करके अपने घरों को जाएं, ये ग्रुप में नहीं जाएं, और चौथा जो कार्यस्थल है उस पर हाथ धोने के लिए साबुन और पानी की व्यवस्था की गई है नरेगा के मत से, और ये कहा गया है कि जब वो कार्य पर आए, कार्य से जाएं, खाना खाएं और खाना खाने के बाद ये चार बार जो है वो जरूरी रूप से जो है हाथ साबुन से धोएं।